देश के लिए जो अपना खून पसीना बहाते हैं वो सच्चे देश प्रेमी कहलाते हैं। चाहे वो खेतों में काम करता किसान हो या फिर बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा करता हुआ जवान हो। बात करते हैं आज की प्रतियोगिता की, जो मिस्टर बलबीर राजपूत जी जो कि रिटायर्ड फौजी हैं, उन्होंने अपने बेटे दिवस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की थी, जहाँ पर उन्हीं की एकेडमी बुंदेलखंड फिजिकल एकेडमी के बच्चों के साथ साथ ओरई की एकेडमी स्पोर्ट्स डिफेंस एकेडमी के बच्चे भी थे, चरखारी की एकेडमी से भी बच्चे थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई। ऐसी प्रतियोगिताओं से जो बच्चे होते हैं उनका हौसला बढ़ता है, तो ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए ताकि बच्चों का हौसला यूं ही बढ़ता रहे और वो देश प्रेम के लिए यूं ही निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपने देश की सेवा करते रहें, जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। देखिए आज की प्रतियोगिता की कुछ छवियां। यहाँ पर BNB में प्रतियोगिता की जा रही है और जो प्रतियोगिता करवा रहे हैं बच्चों के प्रोत्साहन के लिए वो हमारे रिटायर्ड फौजी मिस्टर बलबीर राजपूत जी हैं। तो किस उपलक्ष्य में ये प्रतियोगिता रखी है आपने? बलबीर सिंह फौजी रिटायर्ड और मैं अपने बच्चे के जन्म दिवस पे प्रतियोगिता रखी है, जिससे नया एक लोगों में एक पहल हो और नया तेज बोलिएगा थोड़ा, लोग जागरूक रहे। और इस लॉकडाउन में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई, बच्चों में काफ़ी एकेडमी है, सरकारी है और वही एकेडमी से और ये बुंदेलखंड फिजिकल एकेडमी से काफ़ी दिनों से बच्चों की तैयारी थी, तो बच्चों की प्रतिभा देखने को मिलेगी और हमारे युवा जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ के आएंगे। मैं ये चाहूँगा कि ये प्रतियोगिता हर जगह हो, ये छोटी छोटी प्रतियोगिता ही आगे बढ़ के बहुत अच्छा बच्चे नाम बिल्कुल ऐसी प्रतियोगिताओं से प्रोत्साहन बढ़ता है बच्चों का। तो आप ऐसी प्रतियोगिता जो है वो करवाते रहिए। और जो ये एक एकेडमी का संचालन करते हैं मिस्टर बलबीर राजपूत जी, इनकी एकेडमी का नाम है बुंदेलखंड फिजिकल एकेडमी। तो जो भी बच्चा इच्छुक है, जो आना चाहता है, आर्मी की तैयारी करना चाहता है, आर्मी की तैयारी ये करवाते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने बच्चों के बारे में, अपनी एकेडमी के बारे में? और एकेडमी में ये जो प्रतियोगिता है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए प्राइज रखी हुए और जो चैंपियन रहेगा उसके लिए ट्रॉफी भी है और काफ़ी बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। कहाँ कहाँ से बच्चे यहाँ से आए, क्या कौन कौन सी एकेडमी से बच्चे यहाँ पर आए हैं? एकेडमी तो ये स्पोर्ट डिफेंस एकेडमी हो रही है और चरखारी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता का राज न्यूज चैनल में। आज हम यहाँ राठ में आए हुए थे, यहाँ पर प्रतियोगिता चल रही है और उरई में जो एक एकेडमी है स्पोर्ट डिफेंस एकेडमी, उसके संस्थापक हैं, उनसे बात करता हूँ मैं कि कब से एकेडमी चला रही है, कितने बच्चों का सिलेक्शन दे चुके हैं। तो पहले बताइएगा अपनी एकेडमी के बारे में, फिर कितने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है आपकी एकेडमी से? एकेडमी में कई साल से चला रहा हूँ, करीबन 10 से चला रहा हूँ, 10 साल करीबन हो गया है, हॉस्टल अभी शुरुआत किया है। अच्छा, और सिलेक्शन की बात की जाए तो 100+ सिलेक्शन हो गए होंगे, पुलिस में, आर्मी में, स्पोर्ट कॉलेज में और बाकी तो वही पैरामिलिट्री। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है आपकी एकेडमी में आने मतलब आना चाहता है तो कैसे कांटेक्ट करें आपसे या कहां आके मिले आपसे? DVC डिग्री कॉलेज है, वहां पे प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा, मॉर्निंग इवनिंग एड्रेस भी है। अच्छा, और फोन नंबर है, वहाँ हॉस्टल भी चलाते हैं। हॉस्टल भी चलाते हैं, जो बच्चे गरीब लोग हैं और कबाड़ी टाइप हैं, मिसगाइड होते हैं, उन्हें डायरेक्शन नहीं मिलता है कि हमें कहाँ जाना है, तो जो कबाड़ी लड़का है ना उसके लिए बहुत अच्छी है, जो पेरेंट्स परेशान हैं। अच्छा, कि भाई हम क्या कराएं, कुछ ना कराओ मेरे यहाँ डाल दो, गारंटी मैं ले रहा हूँ, गारंटी मतलब गारंटी। हाँ, बच्चों को कराऊंगा अपने हिसाब से, बहुत खूब, प्रैक्टिस अपने दम पे कराऊंगा, लेकिन बहुत अच्छा प्रैक्टिस के टाइम पे कोई जल्लाद होता है, दोस्त नहीं होता है। नहीं बिल्कुल, जब तक
बहुत अच्छे। यहाँ से इनकी एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात करता हूँ जो प्रतियोगिता में स्थान हासिल किए हैं उन लोगों ने। पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा और यहाँ पे जो आप आए हैं, प्रतियोगिता चल रही है, इसमें कौन सी स्पोर्ट में और कौन सा स्थान आपने प्राप्त किया है? जी, मेरा नाम अजीत मोहम्मद है और मैं 100 मीटर में थर्ड आया हूँ। क्या कहेंगे आप अपनी एकेडमी के बारे में और वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में? देखा जाए तो सर अपने बहुत हिसाब से बहुत प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत अपनी लगन से हैं सर, मेहनत कराते हैं। वहाँ फोकस क्या किस केवल रेस पे फोकस होता है या और भी स्पोर्ट्स आप लोग खिलवाए जाते हैं? जैसे नाम है स्पोर्ट डिफेंस एकेडमी, तो सभी स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं या रेसिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? कहीं कहीं समय मिलता है तो सर लेके जाते हैं, गेम कहीं होते बाहर वहाँ भी लेके जाते हैं और कॉलेज में भी कुछ निकाल के समय करवाते हैं सर। आप भी बताएंगे आपका यहाँ कौन सा स्थान कौन से स्पोर्ट में आया है? मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मैं 3000 मीटर में सेकंड प्लेस है मेरी। बहुत अच्छे, ऐसे ही दौड़ते रहिए। कुछ कहेंगे अपनी एकेडमी के बारे में? जो देवेंद्र राजपूत जी, वो बहुत अच्छे फिजिकल की तैयारी करवाते हैं और मतलब जो स्पोर्ट है स्पोर्ट लाइन की तैयारी करवाते हैं। अच्छा, आप लोग आई थिंक फ्यूचर आर्मी मैन है, आप लोग आर्मी की तैयारी लगे होंगे, तो क्या क्या जुनून है, क्या जज्बा है या किस चीज़ से प्रेरित होते हैं आपकी, यहाँ मुझे आर्मी में ही जाना है? मैं पहली बात तो अपने सर को प्रणाम करूंगा क्योंकि आर्मी में हमारा शुरुआत ही से मतलब बचपन से ही शौक है मेरा जाने का। बहुत अच्छे, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही देश की सेवा करते रहिए। और कोई कुछ कहेगा? खासतौर पर यहाँ बच्चियाँ भी मुझे दिख रही हैं, आप कुछ बोलेंगी एकेडमी के बारे में या आपको आर्मी में? यहाँ आ जाइए, फिर यहाँ आ जाइए। सबसे पहले तो आप नाम बताइए, फिर ये बताइए आखिर किस चीज़ ने प्रेरित किया, अच्छे से बैठ जाइए आप, किस चीज़ ने प्रेरित किया आपको? मेरा नाम अंजलि है और मैं आर्मी में इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा रोल नहीं, शांति से बोली, हाँ मेरा रोल मॉडल इंडियन आर्मी है। बहुत अच्छे, और मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और सर से कॉन्टेक्ट हुआ था तो हमें अच्छा लगा कि चलो तैयारी होगी, इसलिए वहाँ पे गए हैं, तो एक महीना हो चुका है करीब, तो अच्छी तैयारी भी हो रही है। और अब यहाँ पे आए हैं तो पहली बार आए थे तो खेलों में पार्टिसिपेट भी किया। बहुत अच्छे, कौन से गाँव से हैं आप? ग्वांड से हैं। बहुत अच्छे। जनरली क्या होता है हमारे गाँव में, बच्चियों को इन चीज़ों की तरफ प्रमोट नहीं किया जाता है, उल्टा डिमोट किया जाता है। अगर उनकी इच्छा है तो उन्हें कहा जाता है तुम लड़की हो, तुम घर से बाहर नहीं जा सकती हो। तो लोगों को समझना चाहिए और ख़ास तौर पे परवेश बदल रहा है। यहाँ पर काफ़ी बच्चियाँ देखी हैं जो स्पोर्ट में कायदे से यहाँ पर दौड़ लगा रही हैं और इन फ्यूचर आर्मी में जाने का उद्देश्य है उनका। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इनसे प्रेरणा लेके, ये गाँव से हैं, ग्वांड से हैं, आप भी मतलब अगर आर्मी के लिए जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करते रहें, घर से बाहर निकलें, ऐसी एकेडमी ज्वाइन करें, ना करें तो घर पे ही दौड़ कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिटनेस पर ध्यान दे सकते हैं। आप सभी का जनता का राजनीति चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। आप नुआई से? बिल्कुल, पहले भी बात मैंने मतलब कही थी, अब फिर से दोहराता हूँ मैं कि बच्चियों जो यहाँ दिख रही है, स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है, ऐसे ही बच्चियों को निकलना चाहिए, भले ही चाहे वो किसी गांव से हो चाहे किसी टाउन से हो, ताकि क्योंकि अभी रेशियो बहुत गड़बड़ है। अगर मेल और फीमेल का रेशियो हम देखते हैं तो ऐसे बच्चियाँ अगर गांव से निकलें, मेहनत करें, फौज में जाएं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें। कुछ कहेंगे? कुछ संदेश नहीं देना देना है ना, कुछ संदेश कुछ कहिए शांति से। हमारे साथ एक भाई है जो इस प्रतियोगिता के मौके पर यहाँ पर आए हुए थे, जिनका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, तो उनके विचार कैसे, उन्होंने मेहनत की है, युवाओं को कुछ संदेश देना चाहे। सबसे पहले तो परिचय दीजिएगा अपना। नाम है दिलीप कुमार है और मैं इस समय इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुआ हूँ, एक महीने बाद पुलिस वालेंगे और मैं इसी गाँव में दौड़कर सिलेक्ट हुआ हूँ और मैं ऑल इंडिया लेवल का प्लेयर हूँ। मैं 5 किलोमीटर रेस भागा था 14 छाले, जो इंडिया में 6वां स्थान था मेरा। इसके बाद 23 से अधिक मैराथन भागा हूँ और ऑल इंडिया मैराथन में 2 घंटे 18 मिनट का समय लेकर हिंदुस्तान में 11वां नंबर लगाया हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे नंबर लगाया हूँ। अच्छा, और कई बार प्राइज भी उठाया हूँ, तो इसी ग्राउंड से दौड़कर ही मैं सिलेक्ट हुआ हूँ और आगे के लिए भी मेहनत कर रहा हूँ और बच्चों को प्रेरित कर रहा हूँ। और मेरे दौड़ाए हुए बच्चे जो इधर प्रतिभा कर रहे हैं और फर्स्ट प्लेस भी लगा रहे हैं, तो मैं कुछ और संदेश देना चाहें युवाओं को? मैं युवाओं को यही कहूँगा कि सफल वही होता है जो हर रोज मेहनत करता है, इसलिए हमें अपने करियर बनाने के लिए हर रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए और जी जान से मेहनत करनी चाहिए, और जो बंदा मेहनत करेगा वो हमेशा ही आगे जाएगा। इसलिए मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग
ग्राउंड में आएँ तो जी जान से मेहनत करें और अपने आगे के लिए कुछ कोशिश करें, नौकरी पाएँ और आगे जाएं। बहुत से खेल ऐसा होता है कि खेल में जितना आप दमखम दिखाओगे उतनी अच्छी प्रतिभा आएगी और आपकी उतनी अच्छी पोजीशन होगी और हमारे देश में खेल के बहुत ही महत्व दिया जाता है। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे नेता गेमर बालाखेड़ का समापन हुआ।